आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ए ब्रांड न्यू बोट वॉच फ्लैश। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट से स्टार्ट करता हूँ। ये है बॉक्स और बॉक्स के ऊपर एक सिंपल लेआउट है जिसमें जो वॉच है उसका एक इमेज दिया हुआ है और ऊपर से यहाँ पे 1.3 फुल टच एलईडी डिस्प्ले और स्लिम मैग्नेटिक डिजाइन एंड क्लाउड वॉच फेस। ठीक है, सो बेसिकली ये क्लाउड से भी कनेक्ट होता है जो आपका फोन है, फोन में एक एप्लीकेशन आता है एप्लीकेशन में। सो और साइड में देखते हैं तो यहाँ पे केएल राहुल क्रिकेटर और यहाँ पे फिटनेस का दिया हुआ है। यहाँ पे एक पूरा जो वॉच है उसका एक इंटरफेस दिया हुआ है और पीछे अगर देखते हैं बॉक्स का सो यहाँ पे टोटल पूरा डिटेल्स दिया हुआ है क्या क्या फीचर्स है इसके अंदर। सो वेदर सरफेस, उसके बाद कॉल एंड टेक्स्ट नोटिफिकेशन, उसके बाद कैमरा एक्सेस, फाइंड माय फोन, उसके बाद ब्लड ऑक्सीजन मीटर, ब्लड ऑक्सीजन हार्ट रेटिंग मीटर। ठीक है, सो ये सब है। उसके बाद IP68 वाटर रेजिस्टेंस। ठीक है, सो ये देखिए। सो बेसिकली हर एक बार जब भी आप खरीदते हैं ना सो अलग अलग इंटरफेस में आपको मिलेगा, अलग अलग बॉक्सिंग स्टाइल मिलेगा। इस बार मैंने जो लिया है वो अमेजोन से लिया है, 1999। हर एक सेलर में डिफरेंट डिफरेंट प्राइस होगा। सो बेसिकली ये है जिसमें स्ट्रैप जो है वो लगा हुआ है और ये देखिए बोट का एक स्ट्रैप में बोट का दिया हुआ है, पूरा अटैच्ड है। ठीक है, सो ये है बहुत ही सुंदर एक वॉच जैसा मुझे पसंद था, इसलिए मैं बहुत दिन से वेट कर रहा था, थोड़ा प्राइस डाउन होने के बाद ही मैं खरीदा एक ऑफर में। सो ये है बॉक्स। ठीक है, सो इसके बाद इसका फीचर्स हम लोग बाद में बोलते हैं, पहले बॉक्स के अंदर देख लेते हैं। सो बॉक्स का ये जो ऊपर वाला ये पोर्शन अगर आप हटा दोगे तो इसके अंदर आपको मिलेगा एक वारंटी कार्ड जिसमें एक स्कैनर भी है और एक स्कैनर है, ये वारंटी कार्ड 1 ईयर का। फिर ये यूजर मैनुअल, ये पूरा मैनुअल के अंदर आप देख सकते हो हर एक सेलिब्रिटी का पूरा इमेज दिया हुआ है। ठीक है, सो दोनों तरफ ऐसा ही है सेम, एक तरफ क्रिकेटर एक तरफ बॉलीवुड का। सो ठीक है, सो ये अलग से रखते हैं। उसके बाद ये जो मैनुअल है, मैनुअल एक बुक की तरह भी नहीं है, ये नॉर्मली एक पैम्पलेट की तरह है जिसमें आपको कैसे यूज़ करना है, स्कैनर कौन सा है, कहाँ से आप इंटरफेस को ट्रैक कर सकते हैं, क्या क्या डिटेल्स है इसमें, सो पूरा दिया हुआ है। ठीक से पढ़िएगा ताकि अच्छे से आप उसको यूज़ कर पाओ। और एक चीज़ है ये चार्जर। सो बेसिकली ये चार्जर मुझे बहुत ज़्यादा फैंसी लगा क्योंकि ये चार्जर जैसे आप देखते हो ना, देखिए ये नॉर्मल चार्जर जैसे नहीं है, एक मैग्नेटिक चार्जर है, सिर्फ जस्ट इसको टच करके रखना है, कहीं पे इनपुट नहीं करना है, कोई भी कवर नहीं है। और लेंथ जो है ये प्रॉपर लेंथ जो है ये प्रॉपर दिया हुआ है। ठीक है, काफ़ी बड़ा है, अगर मैं कंप्यूटर का साइज में देखूँ तो इससे ज़्यादा ही बड़ा है। ठीक है, और इसमें एक और एक दिया हुआ है एक स्टिकर। ठीक है, बोट हेड का एक स्टिकर जो हर एक बोट का प्रोडक्ट में आपको मिलता है। सो यूजर मैनुअल देख लेते हैं। ये जो आपका डिस्प्ले है ये बाय डिफॉल्ट आपको दिया जाता है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा कैसे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्वाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे कैलोरी और फूड स्टेप मीटर जो है वो दिखाएगा आपको, उसके बाद है बीपी मीटर, उसके बाद कितना स्लीपिंग जो मीटर होता है, नाइट डीप स्लीप जो होता है उसका, वेदर का डिटेल्स दिया हुआ है और ये म्यूज़िक चेंज का जो डायरेक्टली आप अगर फ़ोन के साथ कनेक्ट करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप अप करेंगे सो अप में सिर्फ एक ही फीचर्स है जो है नाइट मोड, ब्राइटनेस, अगर आप चाहते हो तो ब्राइटनेस घटाना बढ़ाना तो आप यहाँ से कर सकते हो ब्राइटनेस। उसके बाद यहाँ पे जो मैसेजिंग, उसके बाद एक फ्लैश लाइट का दिया हुआ है, आप फ्लैश लाइट करोगे तो ये बेसिकली एक वाइट सरफेस में आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। बहुत ही ज़्यादा डार्क होगा तो शायद आपको इसमें कुछ फ़ायदा मिल सकता है। और इस तरफ जाते हैं तो स्पोर्ट्स मोड, ब्रेथ, उसके बाद शटर जो होता है बेसिकली कैमरा ऑन होता है। ठीक है, उसके बाद ब्लड मीटर, स्टॉप वॉच, फाइंड माई फोन, स्क्रीन डेप्थ, सो ये सब होता है। और उसके बाद पावर ऑफ का बटन, रीसेट का बटन, वॉच फेस। ठीक है, सो बेसिकली वॉच फेस में अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो डिस्प्ले है, पहले का जो डिस्प्ले है उसको आप चेंज कर सकते हो। टोटल 8 डिस्प्लेस दिया हुआ है, ऊपर से आप अपना फ़ोन के थ्रू, क्लाउड के थ्रू और ज़्यादा डाउनलोड कर सकते हो। सो मैं एक डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये मैंने डाउनलोड किया है, ये मैंने डाउनलोड किया है और ये मैं बाय डिफॉल्ट सेट कर देता हूँ तो आपको दिख जाएगा। ये देखिए बाय डिफॉल्ट ये सेट हो गया, सो एनालॉग वॉच की तरह दिख रहा है। इसमें आपको पावर कितना है, चार्ज कितना है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, सो ये बेसिकली है। और आपको अभी फ़ोन का डिटेल्स दिखा देता हूँ कि ऐप कैसे ये यहाँ से ओपन होता है। सो ये है बोट का इंटरफेस एप्लीकेशन,
जहाँ पे रेटिंग दिखा रहा है, जैसे आप देख सकते हो कि मैंने 137 स्टेप लिया है, स्टेप रिकॉर्डिंग है, कैलोरी कितना बर्न हुआ है, उसके बाद हार्ट रेटिंग, ये सब अभी तक मॉनिटर नहीं हुआ है। पहले से स्टार्ट करते हैं। प्रोफाइल में अगर आप देखोगे तो प्रोफाइल में यहाँ पे जहाँ पे बोर्ड हेड लिखा हुआ है, वहाँ पे आप क्लिक करके अपना नाम एडिट कर सकते हो, इमेज एडिट कर सकते हो, इमेज डाल सकते हो नया वाला। उसके बाद नेक्स्ट है ये इंटरफेस, जो वॉच के साथ सेटिंग्स है आप डायरेक्टली कर सकते हो। जो वॉच फेस है, वॉच फेस में क्लिक करोगे तो यहाँ पे कौन कौन सा वॉच फेस है आप सेट कर सकते हो। अगर इसमें से भी पसंद नहीं आता है तो यहाँ पे आप क्लाउड में जा सकते हो। क्लाउड में जाके यहाँ पे देखिए बहुत सारा है, ऑलमोस्ट 100 से भी ऊपर वॉच फेस है जो डाल सकते हो आप। उसके बाद एप्लीकेशन नोटिफिकेशन, जहाँ पे आप एप्लीकेशन सेट कर सकते हो, कौन कौन सा एप्लीकेशन आपको नोटिफिकेशन में रखना है वॉच में। उसके बाद अलार्म है, जिसके साथ थ्रू आप अलार्म सेट कर सकते हो। उसके बाद अलर्ट भी है। सेटिंग्स में जाके आप यहाँ पे 24 आवर्स टाइमिंग का सेटिंग्स और जो जो सेटिंग्स है वो आप कर सकते हो। कैमरा है, जिससे थ्रू आप ऑन कर सकते हो कैमरा। ये रेटिंग मॉनिटर है, एक्टिवेटेड नहीं हुआ है अभी तक। उसके बाद यहाँ पे स्टेप काउंट, यहाँ पे आप स्टेप काउंट देख सकते हो ये वाला। और उसके बाद है कैलोरी मॉनिटर, जिसमें मेरा 5 कैलोरी ऑलरेडी बर्न हो चुका है 650 कैलोरी में से। उसमें उसके बाद ब्लड ऑक्सीजन मीटर जो है वो है, स्लीप मीटर जो है वो भी है। और ऊपर से यही है टोटल इंटरफेस, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मजा आया। सो गाइज, ये पूरा डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। मैं इसको ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे तक अभी तक पहना हुआ हूँ। और एक बात बोलूँ, जो बिल्ड क्वालिटी है बेल्ट का, बहुत ही अच्छा है, गुड है, मतलब कंफर्टेबल है। मुझे ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो रहा है हाथ हिलाने में, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। और बेसिकली इसको मैं यूज़ करूँगा मेरे जो नोटिफिकेशन है, क्योंकि मैं काम करते करते नोटिफिकेशन फ़ोन इतना चला नहीं पाता हूँ, सो नोटिफिकेशन चेक करने में। और एक चीज़ दोस्तों, में जो है शो ऑफ करने के लिए मैं कैमरा ऑन कर सकता हूँ, जो कोई काम का है नहीं, ठीक है, इट्स ओके। बट इसमें एक हार्ट रेटिंग मॉनिटर है, जो बहुत ही अच्छा हार्ट रेटिंग करता है, ठीक है। कभी कभी हो सकता है स्टेप रिव्यू करने में आपको प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि स्टेप में जो है फॉल्स स्टेप भी रिव्यू हो जाता है, क्योंकि जो भी हो ये एक टेक्निकल डिवाइस है। इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। अभी मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो लुक वाइज, कम्फर्ट वाइज, इसका इंटरफेस और उसका पूरा टेक्निक पूरा देख के मैं बोल सकता हूँ कि 5 में से मैं इसको रिव्यू में दूंगा 4 बोल सकते हो, क्योंकि देखने में अच्छा है, इंटरफेस अलग अलग है, बहुत कुछ है, तो जो यूजेबल है और नॉन यूजेबल भी है, और बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है, क्योंकि मैं बोट को यूज़ किया हूँ बहुत सालों से। इसका जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। 5 में से 4 रिव्यू इसको, ठीक है। ठीक है, मेरा दूसरा कोई रिव्यू भी आएगा, एक चीज़ और मैं ऑर्डर किया हूँ उसका भी रिव्यू दूंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कीजिए इसको, ताकि बहुत जन देख पाए इसको क्या क्या हो सकता है। और ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अच्छे से रहिए, और हार्ट रेट करवाते रहिए, ऑक्सीजन मॉनिटर भी करवाते रहिए अपना। थैंक यू।